अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन काठी रोल की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, अमेजिंग बनती है। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। ये देखिए, सबसे पहले हमें चिकन लेना है। ये बोनलेस चिकन है। इसे अच्छी तरीके से साफ करके इसके इतने छोटे छोटे क्यूब कर लेनी है। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये चिकन मेरा 350 से 400 ग्राम तक की है। इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। ये मेरा क्यूब है, ये मैं फ्रीज में फ्रीज करके रखती हूँ। अब इसमें डालेंगे हम 4 चम्मच भर के दही, यानी 100 ग्राम दही हमारी इसके अंदर जाएगी। अब इसमें डालेंगे हम ये हमारे सूखे मसाले है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/2 चम्मच नमक है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है और 1 चम्मच हमारी चिली फ्लेक्स है। और ये 2 चम्मच है चिकन तंदूरी मसाला। ये चिकन तंदूरी मसाला डालने से ना फ्लेवर है ना एकदम तंदूर के जैसा आता है, इसलिए हम इसके अंदर ये मसाला डालेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके इसे हमें 1/2 घंटे के लिए साइड में रखना है। देखिए इसे अच्छी तरीके से देखिए मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से। ये जो दही हम इसमें डाले हैं ना, इसकी वजह से ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब हम बनाएंगे हमारा पराठे का डो। तो ये मैं 1.5 कप आटा ली हूं और उसके अंदर डालूंगी ये 1/2 टीस्पून नमक और उसके अंदर मिलाएंगे हम ये 2 चम्मच तेल। आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं, पर तेल में मैं बना रही हूँ। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम और अच्छा सा इसका सॉफ्ट डो बना के रेडी करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका डो रेडी करेंगे। आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनता है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है, मैं अक्सर बच्चों को बना के देती हूँ ये। आप भी ज़रूर बनाना। और मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका डो रेडी करना है। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है। चलो मैं डो रेडी करके आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा डो रेडी हो गया है। इस तरीके से सॉफ्ट डो बनाना है हमें। अब हम इसे साइड में 10 मिनट के लिए रख देते हैं। चले अब इधर पे एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देते हैं, फिर उसके बाद हम हमारा आगे का काम करेंगे। अभी हम फ्लेम को हाई रखना है, जब तक तेल गर्म हमारा होगा फ्लेम हाई रखेंगे। ये देखिए हमारा ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे जरूर एक बार बना के ट्राई करना। चलिए देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है। हम इसके संभाल के डालेंगे इसके अंदर अच्छी तरीके से साफ करके पूरा मसाला दही वगैरह। अब हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, ठीक है? दही है वो पानी छोड़ेगा, चिकन है वो पानी छोड़ेगा, तो उसी पानी में ये आराम से गल जाएगा। अभी 1 मिनट के लिए फ्लेम को हाई रख के ही हम इसे भूनेंगे। देखिए इस तरीके से आपको प्लीज़ कुछ समझ में ना आए तो मुझे
कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। फ्लेम को हाई रखी हूँ और एक मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से भून रही हूँ। देखिए भूनते हमारा एक मिनट हो गया है। अब हम फ्लेम को लो करके और इसे गलने तक के, चिकन हमारा जब तक के अच्छे तरीके से गल नहीं जाता जब तक कि हम इसे कुक करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। तो चले जब ये गलता है जब तक के, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा चिकन अच्छी तरीके से गल गया है और देख ले कितना पानी इसके अंदर है, जो कि पानी हम बिल्कुल भी नहीं डाले थे, फिर भी इसमें कितना पानी है। देखिए चिकन हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये एक छोटे साइज की शिमला मिर्च है और ये एक प्याज है, इसे मोटा मोटा कट करके हम इसके अंदर डाल के एक मिनट के लिए पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा क्रंची रखना है हमें इसे। देखिए इस तरीके से डाल के एक मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलर कितना अच्छा आया इसका, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। चलाते चलाते इसका पानी भी सब सूख जाएगा और हमारी ये प्याज और शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो जाएगी थोड़ी सी। हमें इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ी ही सॉफ्ट करना है। देखिए बस इसे एक मिनट के लिए हम पकाएंगे। तो चलिए पानी इसका जब तक के सूख जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए ये देखिए अब इसका हम सॉस बना लेते हैं। जब तक हमारा पानी ड्राई हो रहा है तो इसके अंदर 4 से 5 चम्मच मेयोनीज है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सेजवान, ये 2 चम्मच सेजवान इसके अंदर डालेंगे। इस तरीके से आप चटनी बनाना, बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये 2 चम्मच टमाटर केचप डालेंगे हम भर के और इसे अच्छी तरीके से देखिए इस तरीके से मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छी तरीके से मिला लेंगे, हमें इसे पराठे पे लगाना रहेगा। देखिए हमारी चटनी रेडी हो गई है, अब इसे हम साइड में रख देते हैं। इस तरीके से आप ज़रूर बनाना, बहुत ही टेस्टी बनती है ये चटनी। आप इसे चटनी कह सकते हैं, सॉस कह सकते हैं। चलिए इसे हम साइड में रखते हैं। देखिए इधर हमारा पानी भी ड्राई हो रहा है, देखिए कितना अच्छा कलर इसका आ रहा है, देखिए कितना जायकेदार ये लग रहा है। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हमारी हरी धनिया डालेंगे, खुशबू भी पूरे घर में खुशबू इसकी, किचन में तो भाई है, जो बाहर से आ रहा है वो भी बोल रहा है अम्मी क्या पक रहा है। हरी धनिया डाल के अच्छी तरीके से हम इसे देखिए डालेंगे। हमारा चिकन भी अच्छी तरीके से गल गया है, बस हमें इतना ही पकाना है इसे। चलिए हम अब पराठा पकाने की तैयारी करते हैं। देखिए हमारा आटा अच्छी तरीके से सेट हो गया है, अब हम इसके पराठे बनाएंगे, बिल्कुल भी सॉफ्ट है देखिए। अब इसकी हम पहले लोई बना के रख लेते हैं। आपको जितना बड़ा पराठा बनाना है उतनी बड़ी आप रोई भी बना ले। ये मैं इसके अंदर 4 बनाऊंगी, 4 पराठा बनेगा। ये मैं लोई बना के इस तरीके से आपको दिखाती हूँ। देखिए इतना बड़ा पराठा रहेगा हमारा। आटा बिल्कुल भी सॉफ्ट रहना चाहिए, सॉफ्ट आटा रहेगा तो हमारे पराठे अच्छे नरम बनेंगे। डेढ़ कप आटे में 4 पराठा बनाई हूं मैं। तो चलिए अब इसे बेल लेती हूँ। ये थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे इस तरीके से और हम इसे
बेल लेते हैं। घुमा घुमा के देखिए रोटी बेल लियो। अब इसके ऊपर मैं तेल लगाऊंगी, अब तेल की जगह घी भी लगा सकती है इस तरीके से। अब इसे मैं ये देखिए पहले ये उठा के इस तरह से फोल्ड करूंगी, तेल वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, फिर ये उठा के इस तरीके से ऐसे फोल्ड करूंगी इस तरीके से, फिर इसको उठा के इस तरीके से ध्यान से देखे इस तरीके से फोल्ड करूंगी, फिर इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा हमारा। फिर इस तरीके से इसे थोड़ा सा खींच लेना है और इसे रख के इस तरीके से इसका बेड़ा बना लेना है इस तरीके से। जो भाई इसे पीछे डाल देना है, देखिए इस तरीके से बेड़ा बनाएंगे। अब हम इसका बेलेंगे, इसको थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे, इसे सिलो सिलो बेलना, दबा के ज्यादा नहीं बेलना नहीं तो इसकी परत नहीं आएगी पराठे की। आप सादा भी बना सकते हैं, पराठा नहीं बना सकते, सादी रोटी बना के उसे भी आप खा सकते हैं, पर मैं पराठा बना रही हूँ, पराठा ज्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए हमारे पराठा रेडी हो गया है। अभी मैं गैस के ऊपर तावा चढ़ाई हूँ, अब इसके अंदर ये पराठा डालूंगी और गैस को मीडियम पे ही रखेंगे हम और अच्छी तरीके से इसे सिकने देंगे पराठे को अच्छी तरीके से। एक बाजू सिक जाएगा तो हम इसका साइड को चेंज करेंगे। देखिए एक बार थोड़ा सा सिक गया, अब हम साइड को चेंज करेंगे। ये देखिए हमारा पराठा रेडी हो गया है, दोनों तरफ से अच्छे से सेक ली हूँ मैं, देख लीजिए इसके देखिए सब परत भी कितनी अच्छे से खुल रही है। अब हम इसी तरीके से सारे पराठे रेडी कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा पराठा रेडी हो गया है, चारों पराठा। अब हम एक तवा चढ़ाएंगे उसके ऊपर और ये एक अंडा फेंट ली हूँ मैं, अब इसको ऊपर डालेंगे, तेल डालेंगे, पानी था मेरे हाथ में, इसके ऊपर हम अंडा डाल देंगे। ये तो मेरे साइड में चला गया अंडा, देखिए इस तरीके से फ्लेम को लो रखेंगे। अब इसके ऊपर जो हमारा ये पराठा है, ये पराठा इसके ऊपर इस तरीके से हम फैला देंगे ताकि इसको ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाए। देखिए अच्छे तरीके से हमारा अंडा अच्छे तरीके से इसमें लग के पक गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से। अब इसे हमें एक ट्रे पे रख लेना है, देखिए इस ट्रे पे हम इसे रख लेंगे और अब हम जो हमारा ये सॉस है ना इसको इसके ऊपर लगा लेंगे अच्छी तरीके से। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना, नहीं समझ में आया तो मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछना आप, पर एक बार ट्राई ज़रूर करना, करके देखना ये मेरे स्टाइल में कैसा लगा आपको। अब जो हमारा चिकन है, माशाल्लाह देखिए हमारा चिकन है, अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे पहले एक बार और फिर से। अब हम इसे रखेंगे इस
तरीके से बीचों बीच में हमें रखना है इसे, जितना भी आएगा ये बीच में रहेगा सेंटर में इसका। देखिए इस तरीके से सेंटर में इसे रख के अब इसके ऊपर ये प्याज के लच्छे डालेंगे। आपको ककड़ी डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, पत्ता गोभी, जो भी आपको पसंद है ऊपर ये लगा सकते हैं आप। ये मैं प्याज लगा रही हूँ इस तरीके से, और फिर उसके बाद हमारा जो सॉस बनाई है ये सॉस ऐसे ऐसे करके हम इसके ऊपर देखिए रख देंगे, डाल देंगे, और अब हम इसे बंद करेंगे। देखिए अब हम इसे रोल करेंगे इस तरीके से, और फिर इस तरीके से फिर ये हमारा बटर पेपर लेना है, इसे इस तरीके से हम अच्छे से लपेट देंगे। देखिए इस तरीके से हम ये देखिए देखिए हमारा काठी को काठी रोल तैयार हो गया है, आप इसे देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं और भी पराठे का रोल बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए दूसरा वाला भी पराठा मैं आपको लगा के बता दे रही हूँ। ये अंडा डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इसको ऊपर डालेंगे हम प्याज के लच्छे। देखिए इस तरीके से पहले फोल्ड करना है हमें, और ये गरम है थोड़ा ऐसे टाइट फोल्ड करना है हमें, और फिर इधर का इस तरफ लाके इसे टाइट फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरीके से ये फोल्ड हो गया, इस तरीके से हमें फोल्ड करना है टाइट। अब हम इसमें पेपर में लगाएंगे, पेपर में भी अच्छा टाइट फोल्ड करेंगे। नीचे का हिस्सा इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से कितना लाजवाब लग रहा है देख सकते हैं आप। चलिए इसे मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। ये देखिए हमारा काठी रोल तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेस्टी जायकेदार बना है। आप इसे प्लीज ट्राई करना, और कुछ भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, वीडियोस को शेयर करना मेरी। अब अगली मैं आप लोगों के लिए अगली रेसिपी लेकर आती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।